ओके तो जो हम लोग ग्राफ के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग बेसिकली ग्राफ के अंदर पढ़ते हैं, तो ठीक है, हम एक्चुअली मैंने क्या कहा था, तीन कंडीशन होती है बेसिकली, थ्री कंडीशन है, हमने दो इक्वेशन हमारे पास आएगी, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है 2x plus 3y is equal to 3, okay? 4x plus, ठीक है 7y is equal to 8, ठीक है, हमारी दो इक्वेशन हमें पढ़ा था दो वेरिएबल्स से, फाइन। अब हमें इसमें क्या करना है बेसिकली, इसमें बेसिकली क्या करना है कि हम इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक चीज डॉट रखेंगे, दैट इज द, ठीक है, तीन कंडीशन होगी, एक तो ये होगा कि इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो दोनों आपस में एक बार कट करेंगे, ठीक है, एक बार इंटरसेक्ट, फाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोनों पैरेलल हो, ठीक है, जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में दोनों के दोनों पैरेलल हो। और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि दोनों के दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब एक यहां पे है और एक यहां पे है, इसी के ऊपर, अंडरस्टूड, ये तीन कंडीशन बेसिकली आएगी, फाइन, सबको जय, कोई डाउट, हाँ आयुष, हाँ बोलो, जिसको डाउट हो प्लीज हाथ ऊपर करना है, और फिर जब मैं हाँ बोलूं तब ओपन करना माइक, हाँ आयुष, सर सेकंड वाली इक्वेशन 4x 4x 7y, हाँ मैं वो सर मैंने एग्जांपल समझाने के लिए दिया था, राइट, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, 4x + 7y = 8, ठीक है, इस तरीके से, हाँ डॉक्टर बोलो सर, हमको इंटरसेक्शन वाला में कुछ दिक्कत हो रहा है सर, इंटरसेक्ट क्या दिक्कत हो रही है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीज कट कर लीजिए एक बार, होगा क्या वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब हो रहा है कि दो लाइन आपस में कट कर रही है, मानो कि ये दो लाइन है आपकी, ठीक है, ये कट कर रही है, अंडरस्टूड, ठीक है, दो लाइन एक बार कट हुई, यहाँ पे जो कट हुआ ना इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन, हाँ यस सर, आगे समझ में, यस सर, हाँ तो बंद कर लेते माइक का, सर कंडीशन थ्री क्या थी, मतलब हाथ ऊपर कट गए जय, जब मैं बोलूं तब, हाँ सॉरी सर, हाँ सर वो कंडीशन थ्री क्या थी, कंडीशन थ्री ये थी, ठीक है, एक मिनट, हाँ कंडीशन ये, हाँ कंडीशन थ्री ये है कि, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब दोनों एक ही लाइन पे, राइट, जो, ठीक है, जो तूने रास्ता लिया वो उसने भी वही रास्ता लिया, ठीक है, और कुछ नहीं, ओके, लेकिन इक्वेशन दोनों की डिफरेंट हो सकती है या सेम भी हो सकती है, डिपेंड करती है, ओके, फाइन, इतना समझ लिया आपने, ओके,